अकाल। हाँ देखो देखो, हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे, अब अकेले मत लाओ, आओ तो कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर। कितने कितने भक्तों को लेकर आओगे? जोर से बोलो। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, अगर आप जिस आए के कम से कम लास्ट में एक होली जरूर हो जाए। होली का, हाँ होली का, नीरज जी को बोल दूं पहले। होली का देखो, और सबके सब जब आओ ना, जरूर तिलक लगा करके आना, ठीक है ना? जरूर तिलक की बड़ी महत्व है। अब भगवान राम को देखो कैसे तिलक लगाए, हनुमान जी को देखो, कन्या को देखो, इसलिए तिलक का बड़ा महत्व। सबके सब ऐसे नहीं, बिंदु नहीं, तिलक इधर सुना, इधर सुना, तिलक लगानी चाहिए खड़ी तिलक, बिंदु तिलक नहीं। अब भगवान राम को देखो तिलक कैसे है, बताओ तिलक कैसे राम का खड़े हुए तिलक देखो। भगवान बांके बिहारी को तिलक कैसे देखे खड़े हुए देखोगे। भगवान नारायण को तिलक कैसे देखोगे खड़े हुए तिलक। हनुमान जी को देखना तिलक कैसे खड़े हुए तिलक देखोगे। गणेश जी का तिलक देखो कैसे खड़े हुए तिलक देखोगे। देखो तिलक ऊपर जाता मतलब है हमें जो ठाकुर के पास में, भगवान के पास में, इसलिए तिलक हमारी खड़ी हुई तिलक होनी चाहिए। और नीचे देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी पत्ता देते हैं ना, ये दोनों ठाकुर की दो चरण है बांकी बिहारी की। और नीचे का भाग देखो तुलसी पत्ता, जैसे ठाकुर जी के चरण में जैसे हमने तुलसी पत्ता दिए, ठीक है ना? सबके सब खड़े तिलक होनी चाहिए। प्रभु जी बोलो। आइए फाग महोत्सव का आनंद लेते हैं। बसंत से ही हमारे ब्रज में फाग महोत्सव आरंभ हो चुका है। ब्रज रस में डूबते हैं, आइए जय जय श्री राधे। की शोभा भाग मिले ब्रज के तवे बढ़े राग अनुराग। Get back!